हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेस्कटॉप के इंटरनल हार्ड डिस्क के बारे में। जी दोस्तों, एक्चुअली होता है क्या कि जब भी आप डेस्कटॉप पीसी बिल्ड कराने जाते हैं तो सब कुछ तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क जो है आप सेलेक्ट करते हैं जीबी के अकॉर्डिंग कि बस हमें 1 TB चाहिए। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न डिजिटल के बारे में यानी कि WD के बारे में, तो आपको WD के अंदर 6 प्रकार की हार्ड डिस्क मिलती है, लेकिन आप उन सब पर ध्यान नहीं देते हैं। आपको नहीं पता होता है कि ये जो 6 प्रकार की हार्ड डिस्क है उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है और हमें कौन सा हार्ड डिस्क अपने काम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहिए। आपको दुकानदार जो देता है आप वही लगा लेते हैं। बहुत लोगों का कमेंट्स आता है कि हमने i7 लिया, i5 लिया, फिर भी जो है हमारी स्पीड प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आ रही है, हम सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका होती है हार्ड डिस्क का। आप जो है एक से एक पीसी बिल्ड करा लेते हैं, i3 बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन, i5 बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन, i7 बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन, महंगे से महंगे पीसी बिल्ड करा लेते हैं। लेकिन आप वहां पर भूल जाते हैं कि अब इतना महंगा हमने पीसी बिल्ड कराया, लेकिन हमें हार्ड डिस्क कौन सा चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हम WD के अंदर आने वाले इन सारे हार्ड डिस्क के बारे में हम प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का मास्टर बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये कलर वाइज आती हैं और जितने भी कलर्स हैं उन सभी कलर्स के हार्ड डिस्क का अलग अलग मतलब है और उन सभी का अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है और उन सभी का जो है अलग अलग यूज है। तो हम यहां पर सभी यूज के बारे में बात करेंगे। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ब्लू, ब्लैक, पर्पल, रेड एंड गोल्ड, तो ये 6 प्रकार की हार्ड डिस्क आती है WD के अंदर और इन 6 प्रकार के हार्ड डिस्क का अलग अलग यूज है। तो यहां पर हम जानेंगे कि एक्चुअल हमारे लिए इनके अंदर से कौन सा हार्ड डिस्क प्रॉपर है और कौन सा हार्ड डिस्क सही होगा यूज करना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्लू के, यानी कि वेस्टर्न डिजिटल ब्लू हार्ड डिस्क, जिसकी प्राइस आज के डेट में अमेजोन पे आ रहा है 3200 रुपए के आसपास। जो आज के डेट में कंप्यूटर पीसी बिल्ड कराने जाते हैं आप, तो ज्यादातर आपको यह हार्ड डिस्क मिल सकती है। तो यहां पर रेट का कुछ ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आप रेट के हिसाब से नहीं जाएंगे कि रेट इसका थोड़ा सा ज्यादा है तो यह हार्ड डिस्क आपके लिए सही होगा। हो सकता है कि रेट ज्यादा है तो उसका मकसद कहीं और लगाने के लिए बना हुआ है, आपके लिए ना हो, तो वो आप जो है अपने वर्क के हिसाब से हार्ड डिस्क का सिलेक्शन करेंगे, ना कि प्राइस के हिसाब से। तो यहां पर ये जो हार्ड डिस्क आती है ये जनरल पर्पस के लिए आती है। जैसा कि हम लोग एक जनरल पर्पस वर्क कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल ऑफिशियल वर्क करते हैं, किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं, नॉर्मल सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं, कोई भी सॉफ्ट चलाते हैं, कोई भी ऑफिस वगैरह चलाते हैं, तो उसके अंदर जो है आप ये हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है और ये जो अवेलेबिलिटी जो इसकी है 500 GB से लेकर के 6 TB तक आज की डेट में आपको अवेलेबल है, ये आपको मिल सकती है। तो आप ये हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं अगर आप जनरल पर्पस के लिए अगर आप पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो। इसके बाद हम बात करते हैं WD ब्लैक के बारे में, जिसका प्राइस आज के रेट में 5600 रुपए है। ये बेस्ट परफॉर्मेंस हार्ड डिस्क है। जैसे अगर आप कोई हार्ड वर्क करते हैं जिसके अंदर बहुत ही फास्टली आपको वर्क करना होता है, जैसे आप कोई भी मिक्सिंग वगैरह का काम कर रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए पीसी बिल्ड करा रहे हैं जहां हैवी से हैवी आप पीसी बिल्ड कराते हैं, हैवी सीपीयू सेलेक्ट करते हैं, हैवी मदरबोर्ड सेलेक्ट करते हैं, तो आप यहां पर अगर ब्लू हार्ड डिस्क यूज कर लेते हैं तो आपको परफॉर्मेंस बहुत बेहतर मिलने वाली नहीं है। यहां पर आने के बाद मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लैक हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करें, जिससे क्या होगा आपकी रेंडरिंग वगैरह फास्ट होगी, आपकी मिक्सिंग वगैरह फास्ट होगी, काफी बेहतर एज ए कंपेयर टू ब्लू हार्ड डिस्क। तो यहां पर एक्चुअली काफी लोग गलती कर जाते हैं, जैसे कि काफी कमेंट्स आते हैं कि मैंने i5 लिया, i7 लिया, मेरा मिक्सिंग का काम है, फिर भी रेंडरिंग फास्ट नहीं हो पाती है, हमारी मिक्सिंग में कई जगह अटक अटक करके चलता है। तो दोस्तों, यहां पर जो है वहां पर सीपीयू और मदरबोर्ड की ही सिर्फ भूमिका नहीं हो सकती, वहां पर आपने हो सकता है कि आपने जो हार्ड डिस्क लगाया हुआ है वो जो है वो प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किया। अगर आपने ब्लू सेलेक्ट कर लिया है तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपकी मिक्सिंग वगैरह का काम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि
आप ब्लैक हार्ड डिस्क परचेस करें। थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन जहां तक आप एक हैवी पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो वहां पर यह कोई मायने नहीं रखता। तो आप ब्लैक हार्ड डिस्क यूज करें, और इसकी भी जो अवेलेबिलिटी आ गई है आज के रेट में 500 GB से लेकर के 6 TB तक ये मौजूद है। तो उसमें से जो भी आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। और जितने भी मैं यहां पर हार्ड डिस्क के बारे में बात कर रहा हूं, वो मैंने 1 TB के बारे में बात किया हुआ है। मैं 1 TB को बेसिक मान करके चला हूं, और प्राइस भी मैं 1 TB का ही दे रहा हूं यहां पर। तो ये तो हो गया कि अगर आपका बेसिक यूज है तो आप ब्लू यूज कर सकते हैं, सस्ती थोड़ी सी पड़ेगी, यानी कि अगर कोई सस्ता आप पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप महंगे पीसी के साथ जा रहे हैं और मिक्सिंग वगैरह का काम कर रहे हैं और बहुत ही फास्ट वर्क चाहते हैं, तो आप जो है ब्लैक हार्ड डिस्क का सेलेक्ट करें। उसके बाद हम चलते हैं ग्रीन हार्ड डिस्क के बारे में। तो ये जो हार्ड डिस्क है ये काफी स्लो हार्ड डिस्क होती है, रीड राइट दोनों ही ये बहुत ही ज्यादा स्लो काम करती है। तो आप इसको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अगर आप यूज करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा स्लो होगी, क्योंकि रीड राइट दोनों ही परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। तो ब्लू एंड ब्लैक में आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, लेकिन ग्रीन में अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो यहां पर प्रॉब्लम्स आपको काफी फेस करनी पड़ सकती है, काफी सिस्टम आपका स्लो रहेगा। तो ये जो हार्ड डिस्क आती है ये सेकेंडरी स्टोरेज के लिए होती है। जैसे आपको कोई भी चीजें स्टोर करके रखना है, कोई भी फाइल्स वगैरह, जैसे अगर आपका मिक्सिंग वगैरह का वर्क है तो आपको काफी डाटा सेव करके रखने की जरूरत पड़ती है, तो इसके अंदर डाटा काफी हद तक सेफ रहता है क्योंकि ये स्लो हार्ड डिस्क है। इसमें कॉपी पेस्ट दोनों ही सेव होगा, लेकिन काफी टाइम तक ये जो है सेफ रहेगा। ये हार्ड डिस्क जल्दी क्रैश नहीं होती है, रीजन इसका यही है कि इसके अंदर कोई भी जो है डाटा वगैरह सेफ रखने के माध्यम से इसको बनाया गया है। तो आप इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको डर है कि कहीं हार्ड डिस्क जो है क्रैश हो गई तो आपका रखा हुआ जो है जितने भी डाटा वगैरह खत्म हो जाएंगे, तो आप अगर कोई भी रिस्की डाटा वगैरह रखना चाहते हैं तो आप ग्रीन हार्ड डिस्क WD का ग्रीन यूज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस आज के रेट में चल रहा है 3900 Amazon पर। उसके बाद हम बात करते हैं WD पर्पल के बारे में। तो दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क है 3550 रुपए की आती है, रेट में ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, ये आम उसी के हिसाब से है। लेकिन ये आती है सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव है। सर्वेलेंस का मतलब ये होता है जो आप CCTV कैमरेज वगैरह लगाते हैं उसके लिए स्पेशली बनाया गया है। उसके लिए स्पेशली इसलिए बनाया गया है कि जितने भी CCTV कैमरेज वगैरह होते हैं उसके अंदर 24 आवर ये हार्ड डिस्क ऑन रहती है, और ये 24 आवर राइट करने का काम करती है। तो इसके अंदर जो राइट करने का वर्क है उसको बहुत ही स्मार्ट बनाया गया है, बहुत ही हैवी बनाया गया है, ताकि इसको जो है 24 आवर सिर्फ राइट करना होता है, और रीड करने का काम जो होता है इसका बहुत कभी कभी रियर केस में होता है, जब भी हम कभी कुछ देखना होता है तो उस वक्त हम इसको रीड करते हैं। लेकिन इसका जो है 90% जो यूज है वो हमेशा राइट करते रहने की है। तो इसीलिए ये उस हिसाब से बनाया गया है कि 24 आवर 365 दिन ये ऑन रहेगा और ये सिर्फ राइट करने का काम करता रहेगा। इसीलिए ये जो है बहुत ही हैवी बनाया हुआ है राइट करने के लिए। तो आप कभी भी जनरल पीसी में इसका यूज कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ये जनरल यूज के लिए नहीं है, ये हमेशा CCTV कैमरे के लिए है। तो CCTV कैमरे में भी जो लोग जब लगाते हैं तो नॉर्मल जो भी हार्ड डिस्क मार्केट से मिल जाती है वो GB को ध्यान में रखते हुए वो लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि CCTV कैमरे के अंदर हार्ड डिस्क बहुत ही ज्यादा सालों तक चले, परमानेंट चले, तो आप WD का ये पर्पल यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं WD रेड के बारे में। तो ये जो है NAS के लिए आती है। NAS का मतलब ये फुल फॉर्म जो है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज है, ये यानी कि नेटवर्क के लिए है। नेटवर्किंग में हम इस हार्ड डिस्क को यूज करते हैं, जैसे सर्वर वगैरह बना करके अलग पीसी आपको रखना है, उसके अंदर क्या होता है कि डाटा कोई भी चीज स्टोर करके रख दिया जाता है या कोई भी फाइल ऐसा रख दिया जाता है उसके अंदर जिस फाइल को हमें शेयर करना है, नेटवर्किंग के माध्यम से शेयर करना है 2, 4, 10 या फिर हजार लाखों के पब्लिक के अंदर, लाखों कंप्यूटर्स के लिए हमें शेयर करना है उसको। बात हमने एक बार रख दिया और उसके बाद उस शेयर होती रहेगी नेटवर्किंग के माध्यम से, लाखों के बीच में, लाखों पब्लिक के बीच में, हजारों पब्लिक के बीच में वो शेयर है फाइल। तो क्या है वहां पर, क्या होता है वहां पर, रीड होनी है यहां पर। जैसे कि इससे पहले वाला जो आप लोगों ने देखा पर्पल हार्ड डिस्क, उसके अंदर राइट करने के लिए जो है उसको स्ट्रांग बनाया गया है। यहां पर रेड वाली को जो है रीड करने के लिए इसको स्ट्रांग बनाया गया है कि ये सिर्फ
24 आवर ये रीड होती रहेगी, जिसमें राइट होने का काम बहुत कम होता है, कभी कभी होगा। जैसे कोई भी फाइल्स हमने रखा, कोई भी सॉफ्टवेयर हमने उसके अंदर रखा और उसके अंदर डाल दिया, और उसके बाद जो हम उसको फाइल को सिर्फ शेयर करते रह रहे हैं, यानी कि सभी लोग सिर्फ उसको रीड कर रहे हैं, रीड करने का काम है, उसके अंदर राइट करने का काम बहुत ही कम है, तो वहां पर हम यहां पर WD का रेड यूज करेंगे, जिसकी प्राइस आज के रेट में निकल के आ रही है 5200 रुपए के आसपास में। और उसके बाद जो बिल्कुल लास्ट वाली जो हार्ड डिस्क के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, वो है WD का गोल्ड, जिसका प्राइस सबसे ज्यादा होता है और आज के रेट में जो रेट इसका निकल करके आ रहा है वो है 8500 रुपए अमेजोन पर। तो ये जो है इंटरप्राइजेस क्लास की हार्ड डिस्क है, ये जो आती है आपकी, जो पहले वाली थी जो रेड है, क्योंकि ये नेटवर्किंग में यूज करना है, वो 750 GB से लेकर के 10 TB तक आ रही है, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाई कैपेसिटी में भी है। रीजन इसका ये है कि हम बहुत ही ज्यादा डाटा एक बार डाल देते हैं और उसके बाद हमें शेयरिंग का काम करना है, सिर्फ शेयरिंग का काम करना है, इसीलिए इसको जो है ज्यादा हैवी स्टोरेज में बनाया गया है, हैवी कैपेसिटी में बनाया गया है। उसके बाद जो गोल्ड है, गोल्ड भी बहुत ही ज्यादा हैवी कैपेसिटी में है, ये 1 TB से लेकर के 12 TB यानी 12 TB तक ये जो है हार्ड डिस्क अवेलेबल है आज के डेट तक, और इसका प्राइस जैसा कि मैंने बताया 8500 तक मिल रहा है। ये जो यूज होती है, जैसे कि बताया गया है इंटरप्राइज क्लास हार्ड डिस्क है, तो ये जो होती है ये डाटा स्टोरेज के लिए, जो जितने भी डाटा सेंटर्स होते हैं, यानी कि पब्लिक का डाटा, जैसे कि मान लीजिए कोई बैंकिंग का डाटा है, कोई बैंकिंग का डाटा सेंटर है, वहां पर जितने भी हार्ड डिस्क लगी हुई होती हैं वो सारी की सारी गोल्ड हार्ड डिस्क लगी होती हैं, क्योंकि वहां पर जो है रीड राइट दोनों ही काम करना है, क्योंकि जैसे बैंकिंग का काम है, पूरे हिंदुस्तान से पूरे वर्ल्ड से लोग बैंकिंग का काम कर रहे हैं, वहां का टोटल डाटा जो होता है स्टोर होता है एक जगह, जहां पर भी उस बैंक का डाटा सेंटर बनाया हुआ है वहां पर स्टोर होता है, तो वहां वहीं से डाटा को रीड भी लोग कर रहे हैं और वहीं पर बैंक का डाटा ले जाकर के रख भी रहे हैं। तो यहां पर गोल्ड में रीड राइट दोनों की जो है बहुत ही फास्ट स्पीड होती है और बिल्कुल 24 आवर यानी कि 24 आवर 365 दिन डाटा सेंटर्स के जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, वो कभी भी बंद नहीं होते हैं। अगर डाटा सेंटर्स बंद हो जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहे कार्य बिल्कुल ठप हो जाएंगे, इसलिए उसको उस हिसाब से बनाया जाता है, वहां पर स्टोरेज डिवाइस WD का गोल्ड लगाया जाता है, ताकि कभी भी उस सिस्टम्स को बंद करने की जरूरत नहीं पड़े, फिर भी वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहे होते हैं और डाटा लॉस होने का डर बिल्कुल भी नहीं होता। तो अगर इस टाइप का कोई भी आप वर्क करना चाहते हैं, वर्क कर रहे हैं, और आप कोई भी रिस्की वर्क आपके पास है जिसके आप अपना प्राइवेट डाटा स्टोरेज डाटा सेंटर भी आप बना सकते हैं, लगता है कि आपका डाटा काफ़ी जो है रिस्की है, आप रखना चाहते हैं, तो आप गोल्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा अगर बना करके, यानी सर्वर बना करके, डाटा सेंटर्स बना करके आप यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो है बहुत ही कम चांसेस है कि आपका कभी भी लाइफ में डाटा जो है क्रेश होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे हार्ड डिस्क के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, और अब आप जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो है हार्ड डिस्क का सिलेक्शन कर पाएंगे और सही हार्ड डिस्क का सिलेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और अब आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और शेयर जरूर कीजिए उन सभी दोस्तों को, जैसा कि मेरा ये उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जो है टेक्नोलॉजी को जाने और टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से समझे, जो भी इस फील्ड में है। जैसा कि आज के डेट में कंप्यूटर के नॉलेज के बिना बिल्कुल जीवन अधूरा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर व्यक्ति जो है कंप्यूटर के बारे में जाने, जिसको जिसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए होगा, इस वीडियो का सपोर्ट चाहिए होगा, तो आप अपने दोस्तों में व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करके जो है इस वीडियो को शेयर करें और सभी वीडियोस को शेयर करते रहें, ताकि हर व्यक्ति जो है टेक्नोलॉजी को जाने और कंप्यूटर्स को जाने। मिलते हैं अगले किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।